दोस्तों आज की हमारी रेसिपी है भरवा परवल। वैसे तो आपने परवल की बहुत सारी रेसिपी बनाई होगी, लेकिन एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से बना कर देखें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसे बनाना कितना आसान है और ये कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोमा। कैसा हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। भरवा परवल बनाने के लिए हमें बड़े साइज का परवल लेना होगा। मैंने यहाँ पर 1/2 kg परवल लिया है। अब इसके ऊपर के छिलके को हमें हटा देना है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके दोनों तरफ के साइड को हमें इस तरह से काट कर हटा देना है। सारे परवल के छिलके को इसी तरह से हटा देंगे और इसे पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे सारे परवल को। और अब हम क्या करेंगे, परवल के अंदर जो बीज होता है वो सारे बीज को हमें निकाल देना है। तो उसके लिए हम परवल को इस तरह से इसके मुंह को कट करेंगे और इसके अंदर जितना भी बीज है उसे हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे और इसे पूरी तरह से खाली कर देंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम सारे परवल के बीज को निकाल लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। सारे परवल के बीज को मैंने निकाल दिया है, सारा परवल खाली हो चुका है। और अब हम इसके अंदर का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज का प्याज लिया है। प्याज को इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे और इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और जो बीज हम निकालेंगे उसे भी हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कच्चा आम। अगर आपके पास कच्चा आम ना हो, अगर आपको कच्चा आम ना मिले, तो आप इसमें 1 नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और अब हम इसमें कुछ कलियां लहसुन की डालेंगे और कुछ अदरक के टुकड़े को डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे गिलास से पानी और इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम परवल को फ्राई करेंगे। परवल फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। गैस को, फ्लेम को हमें हाई रखना है और हाई फ्लेम पे परवल को फ्राई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से परवल को फ्राई कर लेना है। परवल फ्राई हो चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे परवल को हमें निकाल लेना है और अब हम उसी तेल में और उसी पैन में 1 बारीक कटा प्याज डालेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब हम इसमें पीसे हुए पेस्ट को डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें बाकी का सारा मसाला डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक मसाले का कच्चापन न चला जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मसाले को हाई फ्लेम पे हमें तब तक पकाना है जब तक मसाले का कच्चापन पूरी तरह से ना चला जाए। अगर मसाला जलने लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हाई फ्लेम पे मसाले को हमें अच्छे से पका लेना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मसाला पक चुका है और अब हम एक प्लेट में मसाले को निकाल लेंगे और थोड़ा सा मसाला हम कढ़ाई में
रहने देंगे और उसमें हम एक छोटे गिलास से पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसकी हम ग्रेवी बना लेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम परवल के अंदर मसाले को भरेंगे। इस तरह से इसके अंदर मसाले को अच्छे से भर देंगे। इसी तरह से सारे परवल के अंदर मसाले को भर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे परवल के अंदर मसाले को भर दिया है मैंने, और अब सारे परवल को इस ग्रेवी में डाल देना है और फ्लेम को लो रखना है और अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट पकाएंगे ताकि परवल अच्छी तरह से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। दोस्तों ये परवल तो अभी से ही देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, आपके भी मुंह में पानी आ रहा है ना, तो जल्दी से इस रेसिपी को आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब हम इसे सर्व करेंगे। अब आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। दोस्तों आपका भरवा परवल कैसा बना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।